हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। यार में गुम हो जाएं वरना किस वास्ते बेकार में गुम हो जाएं। जब कभी बैठते हैं मिलके सियासी लीडर हम मसले किसी तकरार में गुम हो जाएं। यार लाई भी ना गई तने भाई भी ना गई कर्जियां तो कौन बचाई भी ना गई। क्यों करें आहो सारी आओ देखें बर्फबारी। बस यही कहना है अभी के अब तशरीफ लाने वासे चौधरी। देखने वालों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा आज तो आप गोविंदा लग रहे हो। भाईजान जेदा मोबाइल गया हो गोविंदा ही लगता है। किसको दिया? डाकू मेरा कजन सी वो ले गया मेरे को। मैं गड्डी चला रहा था दरवाजा खोला ले गया हो गया मेनू तो इंजी सी मैं ओदा फड़या है दिन दहाड़े और रात नु मैं डाकू नु फोन करना के आ जा मैं निकल आया बाहर। ऐसी कोई वारदात हो जाए ना तो गुफ्तगू में अनफॉर्चुनेटली भी लगाते हैं। अरे वाह। लेकिन डाकू ते मैनू गुस्सा बहुत है। क्यों? मोबाइल ले गया चार्जर इतने छड़ गया। पुलिस ने लिखाया सा। अच्छा जी। बोस्की का सूट पाया ही काला कोट सी हल्की हल्की दाढ़ी सी। जैसे आपका कद काट है शक्लो सूरत है पैंट शर्ट जीन्स बहुत अच्छी लगती है और आपको लगती भी है। और आज आपने ये सलवार कमीज पहना ऐसे लगता है जैसे दांतों के डॉक्टर हो। आपने वैसे कहा दांतों का डॉक्टर मैं लगता हूँ जी, जी। अगर कभी दांतों के डॉक्टर फिल्में बनाते तो कैसी होंगी? नाम क्या होंगे जी? बड़े जीव नान होंगे दांत मेरे बीवी। हाँ जी दांत हो ना हो मैंने पेस्ट क्यों किया वाह बुर्श कर लो जानम हमारा दांत आपके पास है कभी दांत कभी दर्द बुरश किया तो डरना क्या यार ये बहुत अच्छा है ये अच्छा है एक फिल्म का नाम होगा और मैं मर गया मेरी दाढ़ गई। दाढ़ कितनी हसीन है मैं पेस्ट नहीं करूंगी। अगर मैं दांतों का डॉक्टर होता ना तो मैं फिल्म कौन सी बनाता? कौन सी? बत्तीसी फिर नहीं आएगी। बत्तीसी फिर नहीं आनी। अच्छा फिल्म का नाम मुझे दांत चाहिए। आहा ब्रश करो मगर प्यार से। आहा अगर ब्रश नहीं करोगे तो ऐसे हो जाओगे। और ये तो मुझे नहीं पता कि डेंटिस्ट जो है वो फिल्में बनाएंगे या नहीं बनाएंगे लेकिन कुछ लोग हैं जो कि असल हकीकी फिल्में बना रहे हैं और आप उनको देख भी रहे हैं। अच्छा ऐसी एक फिल्म आने वाली है आप लोगों के सिनेमाघरों में जल्द ही और आज उसकी कास्ट ने ज्वाइन किया हुआ है उनको बुलाते हैं आपके बहुत ही फेवरेट हैं उस फिल्म के जो हीरो हैं पहले भी कुछ अरसा पहले आए थे लेकिन इस बार आए हैं तो जरा उनसे फिल्म के बारे में बात करेंगे। आप सब की तालियों में जनाब एहसन खान। चाको चौबंद एहसन खान के साथ हमारी दूसरी मेहमान इस फिल्म की हीरोइन एक ऐसी खातून जिनका सबसे ज्यादा इंतजार इस मजाक रात के सेट के ऊपर कैसर पिया साहब को था। बहुत अच्छे से वो मुंतजर थे कि कभी इनका आमना सामना हो जाए और आज इस फिल्म छुपन छुपाई के जरिए ये अजीम वाकया होने जा रहा है। प्लीज वेलकम बहुत ही हसीन और इस फिल्म की हीरोइन मोहतरमा नीलम मुनीर। का मौसम है जी सर तू अंडे बेचने ने कल मैं अंडे बेचे थे तो आज चूचा निकले इनको छोड़िए आज चूचा निकलता नहीं कोलो गल्ला बनाई है अंडे आज और यूपीएस निकलता। सर्दियों का मौसम है सर। सर्दियां पूरे मुल्क में छा गई हैं। सर्दियां पूरे मुल्क में छा गई हैं इसलिए ड्राई फ्रूट की रेड़ियां भी सजा गई क्या बात है, क्या बात है? और पूरे मुल्क में गैस मुक मुका गई है क्योंकि आज मजाक रात में एहसन खान साहब और नीलम मुनीर साहब। क्या 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 क्या
पसंद करना नीलम जी ने। हाँ हाँ बिल्कुल। जिसको भी देखूं जहां भी देखूं दिल को तू ही भाता है। वाह वाह। जिसको भी देखूं जहां भी देखूं दिल को तू ही भाता है। तुमको प्रपोज करके तुम्हारे भाई से मार खाने को जी चाहता है। नहीं उसका बदला नहीं किया। आप देखे तो ये अभी क्या क्या करेंगे, मगर मुझे बताइए नीलम आपको अंदाजा है कि ये आपके कितने मुंतजर थे? मैं खुद बहुत ज्यादा मुंतजर थी, जब से आपने शो स्टार्ट किया तो मुझे था कि मुझे आने आना फाइनली। मेरा बात ही क्यों नहीं थी? बस आ गई, इतनी खुश हूँ मैं अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए आपके शो पे आई। बहुत ज्यादा फैन हूँ नीलम जी। मैं भी सर ताड़ी याद दे बची इनो बिल्ली जा रही थी पूछल तो चौके बिल्ली जो हथ मार देना कंधे च मार समझ नहीं आंदी की करदा सुकी नहर च छाल मार के रगड़ा लवा लेना मैं। नीलम जी, आपकी पहली फिल्म है ये? हाँ जी बिल्कुल। और आप जिनके साथ काम कर रही हैं वो तो पहले भी फिल्में बहुत सी कर चुके हुए हैं, तो कोई इन्होंने आपको तजर्बा अपना शेयर किया आपके साथ? बिल्कुल, मुझे बहुत सपोर्ट किया, बड़ी हेल्प दी सॉन्ग्स में भी और डायलॉग्स में भी, और कभी हमें किसी टेक से सेटिस्फाई नहीं होती थी क्योंकि बहुत फनी फिल्म है, तो बीच में मुझे हंसी के दौरे भी बहुत पड़ते थे। अच्छा आपको दौरे पड़ते हैं? बहुत ज्यादा। अगर मैं एक बार, मेरी और एहसन की बहुत बुरी आदत है, हम एक बार हंसना शुरू हो जाए तो फिर हम बहुत मुश्किल से कंट्रोल। अच्छा एहसन में ये बात बताइए कि ये जो चीजें इन्होंने खसूसियात बताई आपके बारे में कि आप जब हंसना शुरू हो जाए तो आप रुकते नहीं है और आप मशवरे देते हैं और गानों के दरमियान में, ये फैसिलिटी जो है सिर्फ नीलम के लिए थी या आम एक्टरों को भी देते हैं? नीलम बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी है। खूबसूरत नहीं है वो बेचारे क्या करें, और बहुत अच्छी दोस्त भी, खूबसूरत जो नहीं है उनसे बात जरा कम की जाती है। अच्छा ये तफरक आप रखते हैं? रखता हूँ। चाचे को तो फिर सारी जिंदगी ना तुम बुलाओ। चाचा तो मेरा लव है, आई लव हिम। अस्सलाम वालेकुम। बताइए फिल्म है आप लोगों की छुपन छुपाई? जी हाँ बिल्कुल छुपन छुपाई। इस फिल्म का अगला पार्ट बनेगा तो वो पकड़न पकड़ाई होगी क्या? बहुत अच्छे वास्ते अगले पार्ट का तो पता नहीं, अभी यही पार्ट जो है वो बड़ा अच्छा बन गया और अगर अच्छी तरह वेल रिसीव्ड हो गया तो फिर आई डोंट नो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, बट दिस इज अ गुड फिल्म। बड़े अरसे से यू बोथ वर वर्किंग ऑन दिस फिल्म, याद है इसकी मैंने पहली तस्वीर देखी थी तो काफी टाइम हो गया, एंड यू हैव टेकन योर टाइम विद मेकिंग द फिल्म। डोंट नो व्हाट हैपेंड, जब साइन हुई फिल्म तकरीबन साल डेढ़ साल पहले, उसके बाद एक छोटा सा स्पेल हुआ था फोटोशूट और एक उनका सीक्वेंस हुआ था, उसके बाद 4 months के लिए आई वॉज शूटिंग फॉर उडारी and Neelam was doing something else aur uske baad dobara humne shuru ki thi wo ek mostly shoot jo wo outdoor thi wo bahut rush wale areas mein thi to kafi mushkil hota tha time bhi lagta to Neelam zyada fans jo the in rush wale areas ke andar aapko kiske milte the Ahsan Khan sahab ke ya fir aapke apne Ahsan Khan ke Ahsan Khan ke nahi nahi Neelam Muneer ke Ahsan Khan ke tusi faisla karke parson aa jana yani ke fans milte the to डिस्टर्बेंस तो नहीं होती थी फिल्म वगैरह के अंदर, गिवन कि आप लोग सड़कों पे भी शूट कर रहे थे और बहुत पब्लिक प्लेसेस पे शूट हुई जो हमने ट्रेलर में भी देखा है? इतना प्रेशर था सीन का कोई याद ही नहीं रहा कौन सामने खड़ा है। ओए हो अच्छा, और जो गाने आपने जैसा कि बताया कि उन्होंने आपको टिप्स दिए गानों के दरमियान में, वो क्या टिप्स थे? टिप्स नहीं थी, मेरी हेल्प की थी, बिकॉज हमने डेजर्ट पे शूट की थी तो मेरे कपड़े इतने फ्लोई थे तो वो रेत के अंदर चले जाते थे, ऐसे मुझे यूं उठा लेते थे। ऐसे आप रेत के अंदर से कपड़े उठा रहे हैं? नहीं मुझे नीलम के साथ कपड़ों को, नीलम समेत कपड़े उठा रहे हैं। वो जब काम आप कर रहे होते हैं, क्योंकि नीलम की फर्स्ट मूवी थी, लाइक शी इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस एंड आई फील शी इज, आप क्या खुद ही दोनों मुस्कुराना शुरू हो गए? अब लोग किसी और बात नहीं, हमें बताए ना, हम भी हंसना चाहते हैं, हम भी हंसना चाहते हैं, बताए ना भी। बताइए तो सही, शेयर तो करिए ना। लगता है ना दोनों को पेमेंट हो गई है, फिल्म कैंसिल हो गई। अरे राम साहब फिल्म तो अब रिलीज होने लगी है, सिनेमा में लगेगी, मगर बताइए क्या, नहीं मगर बताइए क्या, कैसा क्या हुआ, क्या आप उसमें क्या कोई इनसाइड जोक है? नहीं वो अपना कोई पर्सनल सा जोक है। अच्छा पर्सनल जोक्स भी हो रहे हैं गानों में से? खामोशी खामोशी में हो जाते हैं, खामोशी खामोशी में, ये ऐसे एक बड़ी स्टेज होती है। हैरान क्यों हो रहे हैं हम लोग, एक सेट पर हमने एक साल गुजारा है, एक दोस्ती हो जाती है बहुत अच्छी, तो वो जाहिर है कि क्वेश्चन तो बन जाती है, आप लोगों की शायद आई थिंक हमसे ज्यादा होगी। नहीं ऐसे यकीन करें ना, मैंने इसको दुपट्टे समेट कभी उठाया है। ना मेरे इनसे कोई पर्सनल जोक्स है, ये सिर्फ जो है आप लोग, नहीं मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि ये वाली क्वेश्चन कैसे पैदा होती है, ये जब आप बहुत ज्यादा काम एक साथ करते हैं, टाइम गुजारते हैं और अगर आपकी अच्छी दोस्ती हो जाए तो एक अंडरस्टैंडिंग होती है, बहुत सी चीजें लोगों को समझ नहीं आ रही होती वो आपको समझ आ रही होती है। और मैं ये बताना चाहता हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज शी हैजंट डन फिल्म्स एवर, और मैंने नीलम के साथ टेलीविजन में बहुत कम काम किया, हमारा पेयर अप या कभी ऐसा ड्रामा कोई बहुत मेजर हुआ नहीं, एक का दफा ही हुआ शायद, बट फिल्म में मैंने इनको परफॉर्म करते देखा प्रॉपरली, गाने पे एक्टिंग करते देखा, तो आई वॉज लिटरली सरप्राइज, मुझे
सीरियसली साथ बैठी इसलिए नहीं बोल रहा, मुझे नहीं लगा कि इन्होंने पहली बार फिल्म का काम कर रही है या गाना पहली बार पिक्चराइज करा रही है या इतनी कॉन्फिडेंट. एंड देन आई सॉ हर ड्यूरिंग द डबिंग, शी लुक्स अमेजिंग ऑन द स्क्रीन. मेरे तो बहुत बड़ी बात है कि एहसन खान हिमसेल्फ मेरे लिए इस तरह बोल रहे हैं, बिकॉज जब मैंने ये फिल्म साइन की थी तो मुझे बड़ा था कि एहसन का बड़ा एटीट्यूड होगा और पता नहीं किस तरीके से होगा और हमारी तो इतनी ज़्यादा केमिस्ट्री दिखानी है उसके अंदर, क्योंकि हमारे कैरेक्टर से रिलेटेड एक सरप्राइज जो कि अब तक पाकिस्तानी सिनेमा में आपने नहीं देखा होगा. एंड आई थिंक अगर बाहर आया तो आई हैव नो आइडिया, लेकिन मैंने नहीं देखा. मगर ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कोई सरप्राइज है जो कि हमें फिल्म देखने के बाद पता चलेगा क्या था. या फिल्म के बीच में पता चलेगा. और कहीं कोई ऐसी कोई जगह, कोई ईमेल एड्रेस हो, कोई नंबर हो जहां पे हम आपको फीडबैक दे सके इस प्राइस के बाद? आप एक काम करें, छुपन छुपाई के फैन पेज पे जाएं. अच्छा यार, वहां पे ना वहाँ पे जाके कमेंट लिख दे. अच्छा तो आप ट्वीट कर देना ना प्लीज. सरप्राइज में तो पता चले, अगर सरप्राइज मेरे मतलब का हो तो मेरे ट्वीट जाए हो जाए. एक बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है जो कि आई थिंक फिल्म देखने के बाद ही पता चल सकता है. वो फिल्म देखने के बाद पता चलेगा. मगर नहीं, वी विश यू द बेस्ट ऑफ लक इस बात के लिए. स्क्रीन पे बड़ी कम नजर आती हैं, इसकी क्या रीजन है? बड़ी सिलेक्टिव हैं अपने प्रोजेक्ट्स को लेके? मैं बहुत कम काम करती हूँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है. मुझे क्वालिटी के काम पे बहुत ज्यादा यकीन है. लाइक कैरेक्टर्स अच्छे होने चाहिए. पहले स्क्रिप्ट देखती हैं, डायरेक्टर देखती हैं, क्या चीज देखती हैं? पहले कैरेक्टर देखती हूँ, फिर स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ, फिर डायरेक्टर देखती हूँ. हीरो नहीं देखती हैं? हीरोज के बाद. पहले सबसे पहले क्या आता है आपकी नजर? सबसे पहले मेरा अपना कैरेक्टर है, उसके बाद स्क्रिप्ट पढ़ूंगी, उसके बाद फिर डायरेक्टर चेक करूंगी और फिर हीरो, क्योंकि अगर डायरेक्टर अच्छा होगा तो हीरो भी अच्छा ही. ये बड़ी आपने इंटरेस्टिंग, हीरो एहसन साहब चौथे नंबर पे आते हैं. एहसन का तो मैंने नहीं बोला. एहसन को हीरो नहीं समझती क्या? नॉर्मली यूजली ये होता है कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट साथ कर रहे होते हैं. ये तो पहला वाला है ना? ये तो पहला है, फिल्म पहली है, लेकिन उन्होंने पहले प्रोजेक्ट साथ काफी किए हैं. हाँ. तो वो बात पहले से चल रही होती है कि फलाना स्क्रिप्ट आया है और प्रोडक्शन कर रहा है एहसन खान आया कि नहीं आया और इसमें इसको कास्ट कर रहे हैं, यू नो. तो फिर उसमें से होता है कि अच्छा ठीक है. प्रायोरिटीज तो होती है यार. अगर आपकी क्या प्रायोरिटीज? दोस्तों के साथ काम करें तो मजा भी आता है, टीम होती है अक्सर. यू हैव टू आल्सो like work and also enjoy on the set. Samay rahe ji, samay rahe. रोजगार को आसान बना दिया, उनवान था मैं मुझको बदउनवान बना दिया. ऐ बरकरो तुम्हारी अताहत की खैर हो, जमहूरी हुक्मरा को ही सुल्तान बना दिया. महंगे से रेस्टोरेंट में मुझको बुला लिया, मेहमान था मैं मुझको मेजबान बना दिया. आपने मुझसे शादी करनी कि नहीं करनी? मेरे मुंडे ने कुछ होया, मैं तेरा एक्शन कहा मारू. वेलकम बैक टू मज़ाक रात. नीलम, ये बताएं, आप एहसन के साथ तो काम किए, तो एक मंझे हुए एक्टर हैं, यू नो यू हैड स्क्रिप्ट ओवर देयर जिसकी वजह से आपको बहुत हेल्प हुई होगी, मगर आपने कभी एक्सटेम्पो ट्राई किया है एक्टिंग? किया है, बिल्कुल किया है मैंने. कैसा रहा? आई थिंक ठीक था भी और नहीं भी था, जरूरत थी भी और नहीं भी. जब ऑन स्क्रीन देखा तो मुझे लगा कि शायद you know, but kaisa script strong hona bahut zaruri hai, agar script acha ho to phir zarurat nahi. acha but aapki baat se main waise aapko batana chahta hu ki jis tarah se is script ko hame jab hamare paas aaya to wo maine bahut arse baad waise ek aisi project ek aisa kiya jisme hum log ne ek mahina baith ke sirf main aur neelam hi balki jitni bhi cast thi, we used to read the script every day kyunki baaki log napa ke hain aur theater ke log hain sare. to wo theater ke log jo hote hain unko rehearsals ki bahut aadat hoti hai. जो एक प्रॉपर सीरियस थिएटर की बात मैं कह रहा हूँ, एक तो आप एक्सटेम्पोर की बात करें जिस तरह सब लोग इतने माशाल्लाह टैलेंटेड है यहाँ पे खुद ही बात कर लेते हैं, लेकिन वो स्क्रिप्ट को रीड करने से एक केमिस्ट्री बड़ी डेवलप होती है आपस में. जो मैंने देखा है कि जब आप सेट पे जाते हैं, पहला सीन करते हैं या आप गाना पिक्चराइज करते हैं, आपको सब वो लगता है इट्स कमिंग फ्रॉम इनसाइड, यू नो. वो नया प्रैक्टिस इतनी ज्यादा है टेलीविजन पे है ही नहीं. पीटीवी पे थी व्हेन आई वर्क विद अयूब कावर साहब या दूसरे पीटीवी के डायरेक्टर्स, उनके साथ रीडिंग की बड़ी प्रैक्टिस थी, लेकिन हमारा कंटेंपरेरी टीवी पे नहीं है. नहीं होती, आप exactly, तो जानते हैं, आप भी जानते हैं, आप लोग कर ही रहे हैं काम. मोहसिन तो बहुत टीवी का काम कर रहे हैं. ये तो टीवी ठीक भी कर लेते हैं. मोहसिन भी माशाल्लाह ही सुपर टैलेंटेड, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड गाइज इन पाकिस्तान. सिंगिंग, एक्टिंग, हर चीज करते हैं, फिल्म, टेलीविजन. सो अब रीडिंग का रिवाज कम है, लेकिन फिल्म में समहाउ इतना वो उसने बहुत सिखाया और मुझे लगा कि मैं एक नए लोगों के साथ बिल्कुल नई दुनिया में काम कर रहा हूँ. सो दैट्स वेयर आई प्रेफर्ड वर्किंग विद न्यू पीपल. सपोजिटली नए थे लेकिन
दस साल से थिएटर्स कर रहे थे, फिल्म और टेलीविजन के नए थे, तो उनके साथ एक बड़ा मजे का कॉम्बो बना फिल्म। वैसे हमने हमेशा सुनते हैं कि जी जो फिल्म हीरोइंस होती हैं उनके बड़े नखरे होते हैं और बड़ा एक वो होता है, कुछ ऐसा नजर आया मैडम के अंदर आपको? नीलम में जी यार, आई थिंक वन ऑफ द रीजन दैट शी स्टैंड्स आउट इन द फिल्म इज बिकॉज जीरो नखरा, पंक्चुअल, कोई मतलब टेंट्रम्स नहीं है, मुझे तो नहीं नजर आए। आई डोंट नो बाकी हमारे तो अनु नजर भी नहीं आना, क्या बात यार आप क्या मतलब वासिन की बात सही है, जब आपको कोई अच्छा लगता है, आपके दोस्त होते हैं कोई, तो उनमें उनकी बुराई भी अच्छाई लगती है। सर जेडे मैं ब्लेड मार रहे हैं ना दिखा दरो कितने जाने यार यार इतना तुम बोल रहे हो, तुम वहाँ पे खड़े खड़े बोल रहे हो, वो एक एक्ट्रेस है, उनकी फिल्म आ रही है, तुम उनके म्यार की एक्टिंग उनके साथ खड़े हुए कर सकते हो? मैं भी एक्टर हूँ, मैं कुछ साइकिल चला। अच्छा फिर उठो जरा, आओ 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 फिल्म जरा आइएगा। ये वो खातून है जो कि आपके बचपन का प्यार, जो आप बचपन से सोच रहे थे वो आपको आखिर मिल गया है, ठीक है? बचपन में ही यार, वासे बचपन में ही इतनी पुरानी नहीं है। अब आपको ये कॉलेज में मिली जो कि मुश्किल, अब मैं वो कॉलेज पढ़ने जाती थी, आप बाहर खड़े होते थे। हाँ ये कर ले, मैं बाहर फालसा भी इधर। मगर जो आप देख रहे हैं कि जो कॉलेज के अंदर जो सबसे ज्यादा हर दिल अजीज लड़का था ना, वो ये भाई है हसन साहब, ठीक है? ये एक अमीर लड़के हैं जो कि अमीर गाड़ी में आते हैं और तमाम लड़कियां इनकी तरफ देखती थी, मगर आपने अब उनको कन्विंस करना है कि वो आपके साथ, यानी कि आपका जो मोहब्बत का नजराना है वो कबूल करें और उनको इग्नोर करें, ठीक है? हाय नीलम। हाय। पहचाना? नहीं। परसों जिसकी आपने मदद की थी। बता दो मुझे, पहचाना नहीं? क्रांतिकारी श्री जगन्नाथ प्रसाद चोपड़ा। मैं बचपन से आपसे प्यार करता हूँ, आप तो बड़ी थी। नीलम याद करो जब कॉलेज जाती थी, एक खंबे दे लागे बंदा खड़ा होता सी, प्यार दे नाल कहता था नीलम, जब आपने मुझे कहा था कि तुम मेरे ख्वाबों में रहते हो और मानों में रहते हो, तो मैंने कहा नहीं बाजी मैं किराए दे रहना। असल तुम्हारा कंपटीशन वहां उसकी मार्केट खराब करो। यस सर, अब बहुत देर हो चुकी है, क्यों डॉक्टर ने जवाब दे दिया? ऐसी बात ना करो नीलम, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारी खातिर जान दे सकता हूँ, तुम मुझसे शादी करोगे इन्हू तो और कोई लाभ जानी है। लेकिन नीलम मैं प्यार करता हूँ, आप अपनी डिमांड बताओ, क्या चाहते हो दुनिया में, कितने बंगले चाहिए? ओए ओए ओए, उड़न वाले चाहिए, कितने चाहिए, कितने बैल बैलेंस चाहिए, कितनी गाड़ियां चाहिए, ऑटो चाहिए, बताओ, गुची की मेहरान चाहिए? गुची की मेहरान? ये बताओ, पहले मुझे इंप्रेस करें तो फिर मैं आगे की बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? क्या कर सकते हो मेरे लिए? उल्टबाजी लाऊं? कहा 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 प्लीज लगाए लगाए ना, छिपक लिए तू राम ना। पैर बना ले, दो फिल्म कर लिया तो बस 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 बहुत हो गया। आपने मुझसे शादी करनी कि नहीं करनी? मेरे मुंडे ने कुछ होया मैं तेरा एक्शन कहा मार ये। हाँ बोलो, आप दिल से बोलो। हाँ कोई मसला नहीं, अल्लाह बारह से आप कहो कि मैंने करनी शादी कि नहीं करनी। कैसर बस कर दें आप, ये बात मुझे पिछले दिनों कह रहे थे। आपको नहीं, बाकी में वो मैं अपने भरा रिश्ते की गल कर रहा हूँ, छोटे की गल कर रहा हूँ। चीटर तुम लड़के होते ही धोखेबाज, हर लड़की से एक ही बात, दोनों का प्रॉब्लम ही यही है। आज के बाद मैं जा रहे हैं, मैं शेखुपुरे जा रहे हैं। Where did you come from, Katnajo? I've been married long time ago. Where
good? I'm very happy today. Oh, I can see that. Excuse me, I need an opinion to do. About what? You know, last night I was storming my... Brainstorming? Yes, brainstorming. And I was thinking about, huh? It's high time to get married. Oh, yeah, of course. Yes, tall, fair, handsome. Gone. Tall. I am. Oh, acha. Sorry. And gungre ale baal. Yes, curly. And sutwa naak. Oh, yeah. Yes, sutwa naak pasand karde ne. Ji, ji, bilkul. And kad 5 foot 11 inch. Ji, ji. So you should help me. Main kya help karu aapki? Oh, 1180 rupaye mangde ne. Add ke? Yes, add ode ke kene ne 1180 rupaye utte tax bhi payega. Oh, acha. Te mere kol 700 rupaya hai. Aapko baki ke yani ke 480 rupaye chahiye. 480 rupaye, I need that. Jado meri shaadi ho jayegi, ji ji, loki mainu salamiyan paange na, ji ji, utthon fir main tuhanu rupaiya rupaiya karke de deya. So could you please help me out? Well, I don't have money on me right now. You can try with the guests, maybe they have money. And... hey, how you doing, baby? Baby? Yes, I know this lady. You know this lady? Yes, tuhadi shaadi hoyi hoyi. I love you. Yeah. ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਲਿਆਣਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇਣਾ ਅੱਛਾ ਨਾਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਕੌਨ ਸਾ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੌਨ ਸਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ ਕੌਨ ਸਾ ਮਾਹੀ Ready one? यार आराम से एडा हसीन मौसम अच्छा देयर वाज स्नो फॉलिंग टू द क्रिकेट धाम दिनक दिन यार जिन्नी देर मैं उठे रहया ना स्नो फॉल ही होती रही वाह वाह मेरे ऊपर बर्फ डिग रही है आहा ओ फिर मैं मरी 3 दिन रहया अच्छा जिंदगी च पहली बारी 3 दिन क्या बात है तादर गड़दा तादर गड़दे ते अचानक मियां साहब दा फोन आ गया ओए होए ओए मैं कह यार एडा मजा आ रहा सी मियां साहब मैंने कहते ने यू आर इन द मरी मैं कह यस सर मैंने कहते ने वो हमारे घरों के आगे सारी बर्फ जमी हुई है तो उसको हटाओ ओ फिर मैं लेके गया सारी गड्डियां छड़ियां ओ सारी मैं सफाई की थी ते मैंने कहते ने अपने मियां अफजलम निर्गोली ये बर्फ कब पिघलेगी मैं कह सर जब इलेक्शन होगा तो सारी बर्फ पिघल जाएगी क्या था जवाब इस गल ते मेरे साथी बड़े खुश सन मेरे नाल आई कैन इमेजिन हां ते बस फिर मैं थोड़ी जी सफाई सफूई करके वापस आया मैं कह तुहानू इनवाइट करा अच्छा आ प्रोग्राम तुहाडा कदों खत्म होना यार अभी तो मैं बीच में हूं बिल्कुल शो के मेरे पास गेस्ट बैठे हुए मैं तो 24 Drop the stick. Oh, yes. Oh, my favorite hero. God. Oh, Ahsan Khan sahab. Bilkul, bilkul. Oh my God, I love this guy. Acha. Ha. Eh, ye main filmon mein dekhi hain. Ha. Te apna TV drama. Ji, bilkul. Aur Allah ke hukm nal host bhi number 1. Ya, bilkul. Bala kyon? Kyon? Akhain ediyan soniyan. Aaye. Bilkul. Oh, ho. Bas kamal. ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਅਹਿਸਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣ ਨਾ ਤੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਪਸਲੀ ਤੋੜਦੇ ਆ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗੈਸਟ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਏਡਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਓਏ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਥ ਹੈ ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ यार आज सूर्य किधर निकलया आप जानते हैं लो दसो ए ते मोहतरमा साडी बड़ी मोशन ने अच्छा लो दसो अगर ए दुनिया ते ना हुंदी नीलम मुनीर साहिबा ते नाके दे उते सी मर खप जाना सी अच्छा आ रात दे नाके तुहानू पता 12 12 घंटे दी ड्यूटी हुंदी ओ फिर मैडम दी मेहरबानी नाल 12 घंटे कटदे ने हां उस मैं हुन वड्डा मोबाइल ले लिया ना अच्छा ओ फिर मैं सेंटर दे विच ला देना अच्छा नाले गड्डियां चेक कर रहे हुंदे ने नाले इनां दा गाना वेख रहे ਕੌਨ ਸਾ ਗਾਣਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ ਕੌਣ ਸਾ ਮਾਹੀ ਮੇਰਾ ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਬਖਾਨਾ ਮਾਹੀ ਵੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੋ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੀਰੋਇਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਭਲਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਰ ਬਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਿਨ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਮੇ ਸਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਡੂਬ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਜੈਕਟ ਸੀ ਜੋ ਆਪਨੇ ਖੁਦ ਪਹਿਨ ਲਈ ਦੂਸਰੀ ਆਪ ਕਿਸੇ ਔਰ ਕੋ ਦੇ ਸਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਫ ਜੈਕਟ ਆਪ ਇਨ ਮੇ ਸੇ ਕਿਨ ਕੋ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇਂਗੀ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਆਸਿਫ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ਸਨੀ ਲਿਓਨ ویلکم بیک ٹو مذاق رات جی ہاں جی غریب تو سنائیے پہلی خبر بھارت سے ہے جہاں ایک شخص بس میں سوار تھا اور وہ ٹریول کر رہا تھا اور اسے اچانک سے اپنی جرابیں اتاری اور اس کی جرابیں اتنی بدبودار تھیں کہ پورے بس کے مسافر پریشان ہو گئے اور مسافروں نے اسے ریکویسٹ کی کہ یا تو تم اپنی جرابیں باہر پھینک دو یا تو ان کو کسی بیگ میں ڈال لو یا تم ہی بس سے اتر جاؤ لیکن اس نے کسی کی کوئی بات نہ مانی مرتا کیا نہ کرتا آخرکار بس کا ڈرائیور جو ہے وہ بس کو پولیس اسٹیشن لے گیا وہاں پر جا کر اس کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا کہ وہ لوگوں کو بہت پریشان کر رہا تھا بس ہاں جی وہ بندہ تو انہوں نے چھڑ دیتا جی انہوں جراباں کو رکھ لی انہوں نے جڑا مجرم نہیں مانتا انہوں جراباں سنگاندے نے انڈیا پاکستان جا رواج ہے کہ جراباں نے بدبو آوے تھانے جی کیس ہو جائے چپیڑا مار کے وہ تھلے لاؤ صحیح بات دوسری خبر قطر کے شہر دوحہ سے ہے جہاں ملیشیا جانے والی فلائٹ کو ہنگامی لینڈنگ کرنی پڑی آپ کو پتہ تو ہے کہ عورتیں اپنی عادت سے مجبور اکثر اپنے خاوند کا فون چیک کر رہی ہوتی ہیں اسی طرح اس فلائٹ میں بھی ہوا جہاں ایک ایرانی جوڑا موجود تھا اور خاوند کی جب آنکھ لگی تو بیوی نے اس کے تھم امپریشن سے اس کا فون ان لاک کیا اور جتنے بھی واٹس ایپ کنورسیشن تھی جتنے بھی ٹیکسٹ میسیجز تھے باقی لڑکیوں نے جو بھی اس کو میسیجز کیے تھے سارے پڑھ لیے بے وفائی اسے برداشت بالکل بھی نہ ہوئی اس کو بہت شدید غصہ آیا اور اس نے اس کو گالیاں دینا شروع کر دی مارنا شروع کر دیا جہاز کے کیپٹن کو جب یہ لگا کہ سچویشن بہت ہی زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے تو بھارت کے ایئرپورٹ دہلی میں ہنگامی لینڈنگ کر دی گئی اور جدو بیوی اپنے خاوند نو ماری دے رہے اس نے پوچھا کہ آپ اپنے خاوند کو کیوں مار رہی ہیں اور کیوں کہندی کہ ہے دوحہ دا حرکتہ پاکستانی سیاستدان لیے کر رہے ہیں اب تو جہاز والوں نے جہاز کے اندر لکھ دیا ہے کہ سواری اپنے سامان کا خود خیال رکھے اور دوران پرواز آپ کے میسج پڑھے جانے پر ادارہ ذمہ دار نہ ہوگا بڑی گل ہے ویسے کیڑے خاوند جڑے بیویاں کو تھپڑ کھا لیندے نے صحیح بات میرے چو صاحب ایک واری میسج پھڑے گئے نے میری بیوی نے مینو تھپڑ نہیں ماریا کرسی تے بٹھایا ٹھڈے جی تو 2020 کا آغاز کرتے ہیں پہلے ایسن سے سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ کس طرح کرتے ہیں سو یو ول گیٹ اے بیٹر پکچر ٹھیک ہے جی ذرا خوبصورتی کے حساب سے احسن خان ریٹ کریں گے ود ون بینگ دا ہائیسٹ مہوش حیات عروہ حسین عائشہ خان نیلم منیر اور ماورا نیلم منیر نمبر ون پہ حسین ترین عائشہ ماورا مہوش اینڈ عروا نیلم سب سے زیادہ خوبصورت ہیں اس کے بعد ہیں ماورا پھر عائشہ ہیں پھر اس کے بعد مہوش ہیں اور پانچویں نمبر پہ عروا ہیں یہ بتائیے سر جہاز میں سفر کر رہے ہیں ساتھ والی سیٹ بھی آپ کے پاس تھی کسی ایک کو اپنا ہم سفر بنا سکتے ہیں ان میں سے کس کو اپنے ساتھ بٹھانا چاہیں گے آپ جہاز کے اندر شمیرہ فاروقی ماروی میمن یا پھر فردوس عاشق عوان نیلم منیر نیلم منیر نہیں ہے ان میں سے پائلٹ بھی نہیں شرمیلا فاروق آپ ایک کشتی میں سوار ہیں کشتی ڈوب رہی ہے ان میں سے کسی ایک کو آپ لائف جیکٹ دے کے بچا سکتے ہیں کیونکہ دوسری لائف جیکٹ آپ کے اپنے پاس ہے تو آپ وہ دوسری لائف جیکٹ کس کو دینا چاہیں گے ان میں سے صبا حمید بشرا انصاری اور سمینہ پیرزادہ تینوں جو ہیں وہ ہمارے ملک کا ایسا ایسٹ ہے کہ دے شوڈ ناٹ گو اینی ویئر یار اس سے زیادہ ریپلائی میں نہیں اچھا اگر اس کشتی کے اندر ان کے ساتھ صبا حمید بشرا انصاری سمینہ پیرزادہ اور نیلم منیر ہوتے تو نیلم منیر تو اگر ویسے ہوتی ہیں تینوں خواتین تو یہ
नहीं किसी को बचा रहे थे, मगर जैसी नीलम मुनीर आई इन्होंने जैकेट तो नीलम मुनीर को दे दी है। छुट्टियों पे जाने का मौका आपको मिला है, क्या आप किसी को छुट्टी पे लेके जा सकते हैं अपने साथ? पेड वेकेशन है ये, टू द वर्ल्ड्स बेस्ट रेस्टोरेंट्स विद द वर्ल्ड्स बेस्ट होटल्स एंड विद द वर्ल्ड्स बेस्ट कंट्रीज दैट यू वुड वांट टू विजिट। और आपको जो ऑप्शन है कि आप अपने साथ किसको लेके जा सकते हैं, तो आप बताइए किसको चूज करेंगे उनमें से, अपनी वाइफ को या नीलम मुनीर? इकट्ठे भी जा सकते हैं। कौन इकट्ठे जा सकते हैं? मतलब नीलम मुनीर, मैं और मेरी वाइफ। लेकिन एक ही बंदे की ऑप्शन है। नहीं, बाकी मैं जेब से खर्च करूंगा। हम नॉर्मली साथ रहते रहते जेब से खर्च करूंगा। नीलम मुनीर साथ लेके जानी है। इन्होंने तो आखिरत फरिश्तिया ने कहना केड़ा बंदा ने कहना नीलम मुनीर। तो मोहतरमा आपके बारी है अब, और आपको बताया चलूं कि आप जनरल नॉलेज का सवाल पिक कर सकती हैं। देयर इज नो रूम फॉर अ डिप्लोमेटिक आंसर। आप जरा इन खवातीन को रैंक कीजिए। यू नो हु डू यू थिंक इज द प्रीटीएस्ट विद वन बीइंग द हाईएस्ट? ठीक है, जो नाम आपके पास है वो है हानिया आमिर, मावरा उर्वा, हरीम फारूक, माया अली। माया अली नंबर वन पे, एंड देन मावरा नंबर दो पे, उर्वा नंबर थ्री, हरीम एंड देन हानिया। हानिया आमिर पांचवे नंबर पे हैं। अब जरा इन हजरात को भी जरा रैंक कीजिए। हु डू यू थिंक इज द मोस्ट गुड लुकिंग? जो नाम आपके पास हैं वो हैं समी खान, मिकाल जुल्फिकार, फवाद खान, फहद मुस्तफा और अहद रजामीर। फवाद खान, देन मिकाल जुल्फिकार, देन समी खान, फहद मुस्तफा एंड देन अहद रजामीर। फहद मुस्तफा चौथे नंबर पे और अहद रजामीर पांचवे नंबर पे। आप मेंशन क्यों कर दें दोबारा? एक और सवाल का जवाब दीजिए। आप भी एक कश्ती में सवार हैं और कश्ती डूब रही है। एक लाइफ जैकेट थी जो आपने खुद पहन ली, दूसरी आप किसी और को दे सकती हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को देना चाहेंगी? आपके पास जो ऑप्शंस हैं, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और सनी लियोन। I'll ignore this question. You will have to pick general knowledge. हाँ, general knowledge. पता है पाकिस्तान का नाम किन्हों ने तजवीज किया था? कह दो अहसन खान ने। आप चाहें तो अभी वापस जा सकती हैं अपने सवाल के। नहीं, बड़ी बेइज्जती वाली बात है, सवाल का जवाब देना चाहिए। Don't do this. You know the answer. चौधरी रहमत अली। जी बिल्कुल, चौधरी रहमत अली। बहुत सारी तालियां नीलम मुनीर के लिए। थैंक यू सो मच अहसन खान, थैंक यू सो मच। नीलम, आपके बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फिल्म। थैंक यू सो मच एवरीवन।